नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी न्यूज प्लस 24। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला के चंद्रपुर थाना क्षेत्र में गांजे की तस्करी करने वाले दो तस्करों को चंद्रपुर पुलिस ने मुखबरी की सूचना पर 1 किलो 500 ग्राम गांजे व 1 बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। चंद्रपुर पुलिस को अपने मुखबरी से सूचना मिली थी कि आसपास के जिले से गांजा का परिवहन कर चंद्रपुर थाना क्षेत्र में खपाया जा रहा है। सारंगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम बंजारी के रहने वाले सिंह जोहले और कृष्णा भास्कर गांजा तस्करी के धंधे में शामिल हैं और अपने मोटरसाइकिल से गांजा लेकर खपाने जा रहे थे। मुखबरी की सूचना पर चंद्रपुर पुलिस ने उन्हें रोक कर उनकी तलाशी ली तो पुलिस को उनके पास 1 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपी सिंह जोहले और कृष्णा भास्कर के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया है और दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया है। छत्तीसगढ़ रायपुर से हितेश मानिकपुरी की रिपोर्ट। चंद्रपुर में लगातार सूचना मिली थी कि आसपास के पड़ोस के जिले से वहां से गांजा परिवहन किया जा रहा है। इस पर से चंद्रपुर पुलिस द्वारा मुखबिर लगाए गए थे। मुखबिर से सूचना मिली थी कि सारंगढ़ क्षेत्र के कुछ लड़के हैं जो गांजा परिवहन कर रहे हैं, जिसकी सूचना पर थाना चंद्रपुर की टीम ने नाकाबंदी पॉइंट लगाया हुआ था, जहां पर उनको दो व्यक्ति जो कि होंडा साइन मोटरसाइकिल में जा रहे थे, दारा सिंह जोहले, कृष्णा भास्कर जो बंजारी सारंगढ़ क्षेत्र के रहने वाले थे, उनकी गतिविधियां संदिग्ध थी, उनको रोका गया था, उनकी तलाशी ली गई। उनके पास लगभग 1.5 किलो के आसपास गांजा बरामद किया गया है। गांजा के संबंध में उनके पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं था, जिस पर से उनके खिलाफ 20 NDPS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है तथा आरोपियों से 1.5 किलो गांजा और 1 मोटरसाइकिल जब्ती की गई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।